भारत माता की भारत माता की मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान मोहन सिंह श्री मनोज सिन्हा श्री रामकृपाल यादव श्री अर्जुन मेघवाल जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र दत्त शुक्ला जी संयुक्त प्रभारी रामेश्वर चौरसिया जी संसद में मेरे साथी श्रीमान हरिनारायण जी राजभर जी पूर्व मंत्री श्रीमान हरिद्वार दुबे जी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान सुरेश राणा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान अश्वनी त्यागी जी जिला अध्यक्ष मऊ श्रीमान सुनील कुमार गुप्ता जी और इस चुनाव में हमारे सभी लोकप्रिय उम्मीदवार मधुबन से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान दारा सिंह जी चौहान मोहम्मदाबाद गोहना से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राम सोनकर जी गोसी से उम्मीदवार भाजपा के श्रीमान फागु चौहान जी रास्ता से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान एक, राम इकबाल सिंह जी सगड़ी से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान देवेंद्र सिंह जी जहुराबाद से भारतीय समाज पार्टी के हमारे साथी श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान अखिलेश मिश्र जी और मऊ सदर से भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान महेंद्र राजभर जी जखनिया से भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान त्रिवेणी राम जी मुबारकपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान लक्ष्मण मौर्या जी जंगीपुर से श्रीमान राम नरेश कुशवाहा जी बैंथला रोड से श्रीमान धनंजय कनौजिया जी, जी और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों सबसे पहले तो मुझे मऊ के भाई और बहनों की क्षमा मांगनी 2014 10 मई को मैं यहां आने वाला था सारी तैयारियां हो चुकी थी मेरा कार्यक्रम भी बन चुका था लेकिन उसी दिन हमारे एक बहुत ही होनहार साथीदार भाई सुशील राय अकस्मात उनका निधन हो गया हम सबके लिए वो बहुत बड़ा गहरा शोक था आघात था भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा मोटा कार्यकर्ता हिल गया था सदमे में थे और तुरंत ही चुनाव होना था लेकिन यहां के मतदाताओं ने सुशील को ऐसी श्रद्धांजलि दी कि हमारे हरिनारायण जी को लोकसभा का चुनाव जिता दिया भाइयों बहनों तब से मेरे मन में एक चुभन थी कि मैं जा नहीं पाया हूं और हमारे हरिनारायण जी बड़े सक्रिय सांसद हैं बहुत ही एक्टिव रहते हैं पार्लियामेंट में भी बहुत सक्रिय होते हैं और नम्रता भी बड़ी गजब की है तो मैं भी कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता था हरिनारायण जी के सामने लेकिन आज इस क्षेत्र की जनसभा मोंग में आयोजित हुई और मुझे आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला और आप इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भाइयों बहनों एक सभा तो देखी है लेकिन मैं आज देख रहा हूं इसी मैदान में तीन तीन सभाएं मुझे नजर आ रही है एक तो ये है दूसरी उधर दूर दूर पूरी एक सभा से भी ज्यादा लोग खड़े हैं और इधर देखे साहब इतना दूर पता नहीं इनको सुनाई देता होगा कि नहीं जहां भी मेरी नजर जा रही है खेतों में भी लोग ऐसे आ रहे हैं भाइयों बहनों ऐसा प्यार ऐसे आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं इस प्यार के लिए इस आशीर्वाद के लिए भाइयों बहनों आज भी कुछ इलाकों में मतदान जारी है और सुबह जब मैं दिल्ली से निकला तो पता चला कि मतदान बहुत भारी मात्रा में हो रहा है लोग उत्साह और उमंग से मतदान कर रहे हैं अब तक जितने भी मतदान के दौर हो चुके हैं जिस उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में हमारे देश के नागरिक उत्तर प्रदेश के भाई बहन शरीक हुए हैं शांतिपूर्ण मतदान हुआ है मैं उन सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और पहले ही दौर से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों के लिए जन समर्थन उभर करके आया है और जैसे जैसे चुनाव के दौर आगे बढ़ते जा रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरह जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है सब लोगों ने मान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ ही दलों की सरकार बन जाएगी भाइयों बहनों मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी एक परंपरा रही है जब संसद में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो कुछ लोग लोगों ने हवा चलाई थी अब तो मोदी को पूर्ण बहुमत मिल गया है अकेला सरकार बना सकता है साथी दलों की कोई जरूरत नहीं है भांति भांति की बातें कहते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलग है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार अलग है जिनके साथ हम जुड़ते हैं जीवन भर का नाता जोड़ देते हैं और इसलिए पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी जितने भी हमारे छोटे मोटे साथी दल जीते थे उन सबको भी हमने मंत्री परिषद में लेकर के सबको सम्मानित किया और उनकी सेवाएं भी आज देश को मिल रही है मैं आज मऊ की धरती पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है मिलेगा भी तो भी जितने छोटे मोटे दल आज इस चुनाव में हमारे साथ हैं वे भी सरकार का हिस्सा होंगे वे भी सरकार चलाने में भागीदार होंगे भाइयों बहनों हम सिर्फ चुनावी तिकड़म करने वाले लोग नहीं हैं हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं और इसलिए हर छोटे मोटे तबके के लोग जितने भी हमारे साथ आना चाहे उन सबको साथ लेकर के सबका विकास करने के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं भाइयों बहनों जब चुनाव घोषित हो गया समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि आप जीत नहीं पाएंगे किसी की मदद लग जाएगी और इसलिए आनंद फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए एक लूप की डूबती हुई नाव में आकर के चढ़ गए शुरू में तो टीवी पर अखबारों में बराबर फोटो छपने लगी तो उनका भी जरा हौसला बुलंद हो गया वाह जोड़ी जम रही है ऐसे नशे में आ गए ऐसे नशे में आ गए उनको लगता था कि कैमरा को मूर्ख बना देते हैं वैसे ही जनता जनार्दन को मूर्ख बना लेंगे लेकिन उनको पता नहीं जनता का मिजाज कुछ और होता है जनता इन तस्वीरों की चमक से कभी चौंक नहीं जाती है जनता तो दूध का दूध और पानी, पानी, पानी का पानी करना भली भांति जानती है और इसलिए गठबंधन करके जब निकले तो दो तिहाई बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा आ जाएंगे ऐसा उनकी बातों से निकल रहा था लेकिन जैसे ही एक दौर समाप्त हो गया और पाए चल रही थी फलाने प्रचार में आने वाले हैं डिकने प्रचार में आने वाले हैं फलानी दो जोड़ियां निकलने वाली है ये काफी बातें हुई लेकिन जैसे ही पहले दौर का मतदान की खबर आ गई तो कुछ लोगों ने प्रचार में आने से ही अपने आप को बाहर कर दिया जो दो तिहाई बहुमत की बातें करते थे दोबारा जीत के आएंगे उसकी बातें करते थे वो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि एक बार फिर से हमें अवसर दीजिए हम हमारी गलतियां ठीक कर देंगे दूसरा दौर आते आते तो उनको पता चल गया कि अब मामला जमने वाला नहीं है फिर अपने इलाके में आए वहां उनको लग रहा था ये तो परंपरागत हमारा इलाका है परिवार के सारे लोग यहां डटे हुए हैं लेकिन जब वहीं पर पिटाई हो गई खुले आम लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया तो उनको लगा अब जीतने की संभावना नहीं है भाइयों बहनों समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतने के लिए प्रयास करे लोकतंत्र में उनका हक है बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत करे ये उनका हक है भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए भांति भांति की कोशिश करे लोकतंत्र में वाजिब है लेकिन भाइयों बहनों सपा और बसपा दोनों को तीसरे दौर के बाद जब ये पक्का हो गया अब उनके जीतने की संभावना नहीं है तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है एक नई तरकीब चालू की है और उन्होंने चालू क्या किया है हम हारे तो भले हारे हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए मैं समाजवादी और बसपा के नेताओं से कहना चाहता हूं आप भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए जितना करना है करिए कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लेकिन उत्तर, उत्तर प्रदेश, प्रदेश के भविष्य के, के साथ खिलवाड़ मत, मत कीजिए उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है अब ज्यादा उसे परेशानियों में मत डालिए आप सोचते होंगे कि त्रिशंकुश असेंबली बनेगी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए उन्होंने दिया था यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी भाइयों बहनों में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आप जवाब देंगे सबके सब देंगे वो दूर दूर है वो भी देंगे पूरी ताकत से देंगे आप बताइए भाइयों बहनों आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान की बात हो रही है कि नहीं हो रही है आज रशिया में भी हिंदुस्तान की जय जयकार है कि नहीं है आज जापान में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आज इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है क्यों हो रहा है क्या कारण है क्या कारण है क्या कारण है, क्या कारण है आज आज पूरे दुनिया में अबाह हो रही है क्या कारण है पूरी ताकत से बताइए क्या कारण है जी नहीं मोदी मोदी नहीं ये जो दुनिया में जय जयकार हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई और इसके कारण इसके कारण मोदी आज दुनिया में जहां भी जाता है दुनिया के बड़े से बड़े नेता से जब हाथ मिलाता है तो सामने वाले नेता को मोदी नहीं दिखता है उसको सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं और इसलिए इसलिए हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है आप मुझे बताइए भाइयों बहनों हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का भी जय जयकार हो आप चाहते उत्तर का हो उत्तर प्रदेश का जय जयकार हो उत्तर प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए हिंदुस्तान के सभी राज्यों में होना चाहिए सब कोई उत्तर प्रदेश की वाहवाही करे ऐसा होना चाहिए अगर ये करना है तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनानी होगी उनका तो बिगड़ा है समाजवादियों की नाव डूब चुकी है बसपा का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है भतीजा भी कैसे बच्चों उसका रास्ता खोद रहा है बुआ भी परेशान है कि भतीजे ने क्या करके रख दिया न भतीजे का मेल बैठ रहा है न बुआ जी का मेल बैठ रहा है अगर मेल बैठा है तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का बैठा है भाई बहनों और इसलिए भाई बहनों इस चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है जब मैं लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था तब मेरा भाषण है कोई जाकर के देख सकता है आज भी यूट्यूब पर वो भाषण मिल जाएगा और मैंने उस समय कहा हुआ है तब तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मुझे मालूम तक नहीं था मैं गुजरात का एक मुख्यमंत्री था और गुजरात विकास की दृष्टि से उसका अपना एक नाम बना हुआ था लेकिन तब भी मैं कहता था अगर भारत को गरीबी से मुक्त करना है भारत को पिछड़ेपन से मुक्त करना है भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर अगर ले जाना है तो हमारा हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास होना चाहिए सब दूर विकास होना चाहिए अगर हम स्वस्थ शरीर की कल्पना करें कि कोई शरीर हो वजन ठीक हो ऊंचाई ठीक हो ब्लड प्रेशर बराबर हो दाब बराबर चलता हो ऊंचाई बराबर हो लेकिन अगर उसका एक हाथ लकवा मार गया हो एक पैर लकवा मार गया हो एक शरीर का हिस्सा दुर्बल हो तो, तो उस शरीर को कोई स्वस्थ मानेगा क्या मानेगा क्या स्वस्थ शरीर का मतलब शरीर सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए ना? सभी अंग मजबूत होने चाहिए ना? सभी ताकतवर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, चाहिए भाइयों बहनों ये हमारी भारत माता ये स्वस्थ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए भारत माता मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर भारत हमारी देखे जरा नक्शा याद करें अगर पश्चिम में हरियाणा मजबूत हो दिल्ली मजबूत हो राजस्थान मजबूत हो गुजरात मजबूत हो महाराष्ट्र मजबूत हो गोवा मजबूत हो कर्नाटक मजबूत हो और हमारा पूर्वी हिंदुस्तान, पूर्वी उत्तर प्रदेश बंगाल आसाम उड़ीसा ये अगर दुर्बल होंगे तो भारत माता मजबूत बनेगी क्या बनेगी क्या भाइयों बहनों जैसा हिंदुस्तान के पश्चिम भाग का विकास हुआ है वैसा ही हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके का भी विकास वैसा ही होना चाहिए दोनों बराबर आने चाहिए तब जाकर के हमारी भारत माता मजबूत होगी और इसलिए भाइयों बहनों मैं पहले दिन से इस बात को लेकर के चला हूं कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश इसका विकास और राज्यों की बराबरी में आ जाना चाहिए तभी जाकर के उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा तभी जाकर के हिंदुस्तान का भी विकास होगा भाइयों बहन पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास क्या नहीं है उत्तम जमीन है भरपूर पानी है मेहनत कश लोग है नौजवानों के सपने हैं अगर उनको अवसर दिया जाए तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी हिंदुस्तान की आन बान शान बना करके रख सकते हैं भाई भाइयों बहनों ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के हालत का पता नहीं पता है पर परवाह नहीं है पता होते हुए भी परवाह नहीं होना इससे बड़ा कोई गुना नहीं हो सकता है हिंदुस्तान की भूतकाल के कांग्रेस के शासकों ने गुनाहित उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रख करके गुनाहित कृत्य किया है इस कांग्रेस को भारी सजा देने की जरूरत है वही काम समाजवादियों ने किया है उनको भारी सजा करने की आवश्यकता है यही काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है उनको भी वैसी ही सजा देना आवश्यक है भाइयों बहनों जब पंडित नेहरू जिंदा थे पार्लियामेंट के अंदर गाजीपुर के पूर्व सांसद श्रीमान विश्वनाथ जी गहमरी जी 11 जून उन्नीस सौ बासठ पचास साल से भी ज्यादा समय हो गया 11 जून उन्नीस सौ बासठ विश्वनाथ सिंह ने संसद के अंदर भाषण किया था अपनी भली बोली भाषा में बोले थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव के लोग बोलते हैं ऐसी भाषा में बोले थे लेकिन जब उन्होंने भाषण किया तो पूरी पार्लियामेंट सारी संसद उसके आंख में आंसू थे इसी इलाके के एक सांसद पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांसद पंडित नेहरू के सामने बोल रहे थे और उन्होंने जो बात कही थी हिंदुस्तान की संसद में बैठा हुआ हर व्यक्ति रो पड़ा था हर एक किसी के आंसू में थे और उन्होंने कहा कि देश के हुक्मनारों आपको पता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग कैसी मुसीबतों से जिंदगी गुजार रहे हैं कैसी भूखमरी है कैसी बेरोजगारी है और उन्होंने वर्णन करते हुए कहा था कि संसद में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऐसे गरीब परिवार है जो गोबर होता है गाय भैंस जो गोबर छोड़ते हैं उस गोबर को धो करके, उस गोबर में से जो अनाज के दाने निकलते हैं उसको खा करके अपना गुजारा करते हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल है ये दर जून महीने में गाजीपुर के सांसद श्रीमान विश्वनाथ जी ने पंडित नेहरू के सामने संसद में बोला था और हर किसी की आंख में आंसू थे सारी पार्लियामेंट चिंतित हो गई और पंडित नेहरू जी ने एक पटेल कमिटी बिठाई गुजरात के ही श्रीमान एच एम पटेल थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या करना चाहिए उस पटेल समिति ने अपना रिपोर्ट दिया पंडित नेहरू के जीते जी दिया था भाइयों बहनों पचास साल हो गए यह आपका भला करने वाले गुंबोग यह गुनाहित मानसिकता देखिए वो रिपोर्ट वैसे का वैसा डिब्बे में बंद पड़ा था भाई आप कल्पना कर सकते हैं मेरे देश के वासी गरीब गोबर को धो करके उसमें से दाने खोज खोज करके पेट भरते हो और पचास साल तक सत्ता में बैठे हुए लोग उस रिपोर्ट के ऊपर बैठ जाए आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया हम उस रिपोर्ट को बाहर निकाला अध्ययन शुरू किया आपको हैरानी होगी उस पटेल समिति काम कहा था उसने कहा था पटेल समिति ने कहा था मऊ ताड़ीपुर गाजीपुर रेल लाइन तुरंत लगानी चाहिए अगर रेल लाइन लगेगी लोगों को काम मिलेगा और ये मुख्य धारा से इलाका जुड़ जाएगा तो विकास की संभावनाएं बनेगी भाइयों बहनों ये आपका वोट मांगने से उनको शर्म मानी चाहिए पचास साल हो गए उन्होंने इस काम को नहीं किया भाई मनोज सिन्हा रेलवे मंत्री बने इसी इलाके से बने और हमने उस पटेल समिति का रिपोर्ट निकाला आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं खुद श्रीमान विश्वनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के रूप में खुद यहां आया पचास साल पुरानी उस पार्लियामेंट के भाषण को याद करते हुए आया और आज उस रेल का काम शुरू करवा दिया भाइयों बहनों आज काम चल रहा है विकास कैसे होता है विकास इस प्रकार से होता है भाइयों बहनों उसी प्रकार से गंगा नदी के ऊपर रेल कम रोड इस ब्रिज की मांग यहां के विकास की आत्मा है इसके कारण विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की सबसे बड़ी नीव बन जाता है लेकिन भाइयों बहनों गंगा जी के ऊपर रेल और रोड ब्रिज वो काम भी हटका पड़ा कभी सोचा नहीं गया हमने आकर के करीब, करीब करीब पौने दो हजार करोड़ रुपया से भी ज्यादा लागत से उस ब्रिज का काम भी शिलान्यास कर दिया काम तेज गति से आगे रहा है भाइयों बहनों विकास ये यहां की पहली आवश्यकता है हमारा किसान गन्ने की खेती करता है धान की खेती करता है गेहूं की खेती करता है भाई आप उस तरफ कैमरा मत ले जाइए वो बिना कारण कैमरा आते ही एकदम हल्ला करते हैं किसी और इलाके में रखिए अपना कैमरा भाइयों बहनों मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उन्होंने अपने चुनावी संकल्प पत्र में एक बहुत बड़ी अहम घोषणा की है उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे यहाँ के जो छोटे किसान है उनके फसल का जो कर्ज है किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा भाइयों बहनों मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं अगर आज मैं प्रधानमंत्री बन सका हूं तो उसका कारण उत्तर प्रदेश का मजबूती के साथ मेरे साथ समर्थन है उसके कारण देश को स्थिर सरकार मिली है भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मऊ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे 13 मार्च को हम विजयी होली मनाएंगे विजयी होली के रंग से रंग जाएगा उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार मिलेगी सरकार का शपथ समारोह होगा सरकार का शपथ समारोह होने के बाद नई मंत्री परिषद का मीटिंग होगी और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते सांसद के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नई सरकार की पहली मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी का निर्णय कर लिया जाएगा चौदह दिन में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान पूरा कर दिया जाएगा आगे से नियम बनाया जाएगा कि गन्ना किसानों को चौदह दिन से ज्यादा बकाया बाकी नहीं रहना चाहिए इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी भाइयों सरकार ऐसे चलती है भाइयों बहनों हमारा सपना है 2022 में 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे 2022 तक हम हमारे किसान की जो आमदनी है उसकी जो कमाई है वो डबल करना चाहते हैं दोगुनी करना चाहते हैं आज अगर वो पचास हजार रुपया कमाता है तो 2022 आते आते वो लाख रुपया कमाए आज अगर वो दस हजार कमाता है तो बीस हजार कमाए दो गुनी करना है भाइयों और उसके लिए हमने बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है ये हमारी भारत मां जिस पर हम खेती कर, कर के पेट भरते हैं लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हमारी धरती माता की तबीयत कैसी है अरे जैसे हम बीमार हो जाते हैं ना वैसे धरती मां भी बीमार होती है कभी उसका भी तो ख्याल करना चाहिए पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली में आपने बिठाई है हमने निर्णय किया कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड निकालेंगे धरती की तबीयत का परीक्षण करेंगे जैसे डॉक्टर लोग खून का परीक्षण कहते हैं पेशाब का परीक्षण करवाते हैं वैसे ही ये धरती माता की तबीयत का भी वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण हो सकता है और इसलिए हमने धरती माता का परीक्षण हर खेत का परीक्षण और फिर वो धरती कैसी है क्या बीमारी है कौन सी खाद डालनी चाहिए कौन सी दवाई डालनी चाहिए ये धरती किस फसल के लिए ठीक है गेहूं के लिए अच्छी है कि चावल के लिए अच्छी है कि गन्ने के लिए अच्छी है कि चने के लिए अच्छी है इसका निर्णय वैज्ञानिक तरीके से होकर के किसान को समझाया जाएगा कि भाई तुम ये फसल लेते हो उससे तुम्हारा ज्यादा फायदा नहीं होगा तुम जरा फसल बदल दो ये तुम्हारी मिट्टी तुम्हारा काम कर देगी किसान का भला हो जाएगा आज हमारा बेचारा किसान कैसे खेती करता है अगर पड़ोस वाले किसान ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो उसको भी लगता है मैं भी लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दू उसने अगर पीले डिब्बे वाली डाल दी दवाई तो उसको लगता है मैं भी पीले डिब्बे वाली डाल दू लेकिन उसकी जमीन का एक स्वभाव है तुम्हारी जमीन का दूसरा स्वभाव है तुम्हारे पैसे भी जाते हैं जमीन भी बर्बाद होती है फसल भी बर्बाद होती है भाइयों बहनों हम हर किसान का उसकी धरती कैसी है जमीन खेत की तबीयत कैसी है उसका कार्ड निकाल करके किसान को सरकार की तरफ से दे रहे हैं ताकि किसान उसके आधार पर अपनी फसल बो सके भाइयों बहनों हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है आजादी के बाद कभी हिंदुस्तान के किसान को ऐसी सुरक्षा की गारंटी कोई फसल बीमा योजना में नहीं थी आपको भी खुशी होगी जो भी मेरे किसान भाई बहन बैठे हैं यहां उनको बराबर समझ आएगा कभी कभी, कभी बारिश की सीजन के पहले कितनी ही भयंकर गर्मी हो हम दिन रात खेत में काम करके खेत को जोतते हैं भयंकर गर्मी में जोतते हैं कर्ज करके ट्रैक्टर किसी का मंगवा करके जुतवाते थे फसल के लिए बीज ला करके रख देते हैं सब कुछ कर देते हैं और सोचते बस अब बारिश आएगी बुआई कर देंगे जून महीना हुआ बारिश नहीं आई जुलाई महीना हुआ बारिश नहीं आई अगस्त महीना हुआ बारिश नहीं आई अब बेचारा किसान बुआई, बुआई कैसे करेगा और खर्चा तो कर दिया जोतने का खर्चा कर दिया बीज खरीदने का खर्चा कर दिया मजदूर लाने का खर्चा कर दिया लेकिन बुआई नहीं हो पाई तो किसान बेचारा भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा किसान को कुछ एक रुपए के भी कमाई होगी क्या हम ऐसी फसल बीमा योजना लाए हैं कि अगर आप बुआई नहीं कर पाए प्राकृतिक कारणों से तो भी आपको बीमा मिलेगा और आपका साल भर का जो खर्चा है उस बीमे के पैसों से निकल जाएगा भाई इससे बड़ी किसान की सुरक्षा कोई दे सकता है इतना ही नहीं हमने इससे भी आगे सोचा हमने कहा बुआई अच्छी हो जाए बारिश अच्छी हो जाए जब चाहे उतनी बारिश हो जितनी चाहे उतनी बारिश हो जब धूप निकले जरूरत हो तब धूप निकल आए और सोलह आनी फसल हो जाए सोलह आनी जीवन में बड़ी खुशी हो जाए ऐसी फसल हो जाए कटाई भी हो जाए खेत और खलिहान में सारा फसल वो कटाई करके उसका ढेर रख दिया हो बस अब मंडी में ही जाने की तैयारी चल रही हो आज ट्रैक्टर आएगा तो मंडी चले जाएंगे बैलगाड़ी आएगी तो मंडी लेकर के चले जाएंगे ट्रक वाला आएगा तो मंडी लेकर के सब रेडी पड़ा है पूरा ढेर तैयार है और अचानक ओले गिर गए और अचानक आंधी आ गई और अचानक भयंकर बारिश आ गई पकी पकाई फसल प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो गई मंडी जाना ही था उसके पहले ही सब नष्ट हो गया भाइयों बहनों हमने ऐसा बीमा दिया है ऐसा बीमा दिया है कि कटाई के बाद खलिहान में चीजें रखी पड़ी है और अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो पंद्रह दिन के भीतर भीतर आपदा आएगी तो भी आपको बीमा मिलेगा और किसान को बचा लिया जाएगा यह काम हमने किया है आप मुझे बताइए भाइयों बहनों ये बीमा का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए पूरी ताकत से बताइए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और किसान को ज्यादा पैसा भी नहीं देना है अगर सौ रुपया बीमे का खर्चा है किसान को सिर्फ दो रुपया देना है बाकी भारत सरकार देने वाली है डेढ़ रुपया दो रुपया से ज्यादा किसान को नहीं देना है उसके बावजूद भी ये काम बोलता है कह रहे हैं ना, ये उनके कारना में बोल रहे कारनामें देखो उन्होंने जहां भाजपा की सरकारें हैं भाजपा की सरकारें हैं वहां पचास साठ प्रतिशत किसानों का फसल बीमा हो गया यह उत्तर प्रदेश चौदह प्रतिशत से ज्यादा किसानों का फसल बीमा नहीं लिया गया भाइयों बहनों ये किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं ये किसानों का गुना है कि नहीं है और भाइयों बहनों ये गुना करने वाली अखिलेश सरकार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भाइयों बहनों भारत सरकार पैसे देती है समर्थन मूल्य से आपका धान खरीदना गेहूं खरीदना दाल खरीदना सरकार भारत सरकार पैसा देती है लेकिन अखिलेश सरकार ने समर्थन मूल्य से किसानों से नहीं खरीदा क्या गुना है किसानों का क्यों गुस्सा है आपको किसानों के प्रति इतना क्यों किसानों को मार रहे हो जहां भाजपा की सरकार है पचास साठ प्रतिशत समर्थन मूल्य से एक सरकार खरीदती है और यह उत्तर प्रदेश है यह सरकार सोई पड़ी सरकार किसान विरोधी सरकार तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं खरीदती है भाइयों इससे बड़ा किसानों से अन्याय क्या हो सकता है और इसलिए भाइयों बहनों जो किसानों की विरुद्ध हो जो विकास के विरुद्ध में हो सिर्फ तो जातिवाद का जहर फैला करके अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करने में लगे हो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी माफ नहीं करेगा मेरे नौजवान भाइयों बहनों एक चुनाव मेरे नौजवान भाइयों बहनों एक चुनाव आपका भविष्य कैसा हो उसके लिए निर्णय करने के लिए क्या आपके पंद्रह साल बर्बाद हुए क्या और पांच साल बर्बाद होने हैं पंद्रह साल सपा बसपा की सरकारों ने आपको तबाह करके रखा है क्या फिर से उसी चक्कर में जाना है क्या क्या बेरोजगारी चाहिए भाइयों बहनों न हमें बेरोजगारी चाहिए न हमें पलायन चाहिए क्या कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश मैं तो गुजरात में से आया हूं गुजरात का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां पूर्व उत्तर प्रदेश के मेरे भाई बहन वहां रहते ना हो मैं कभी उनको पूछता हूं बोले साहब क्या करें? बूढ़े मां बाप छोड़ने के लिए पेट भरने के लिए आना पड़ा रोजी रोटी कमाने आना पड़ा गांव खेत खलिहान भाई बहन मित्र सब कुछ छोड़ करके जाना किसको पसंद है क्या जनपद में ही मेरे नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और इसलिए भाइयों बहनों पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास करना है औद्योगिक विकास करना पड़ेगा उद्योग लगाने पड़ेंगे कारखाने लगाने पड़ेंगे और कारखाने लगाने के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है ऊर्जा का बिजली मिलती है क्या बिजली मिलती है क्या पक्का नहीं मिलती है ना आपके मुख्यमंत्री तो हिम्मत से कह रहे हैं बिजली मिलती है आप लोग नसीबदार हैं नसीबदार है मैं बताऊं कैसे आपका चुनाव मतदान बड़ी देर से हो रहा है और देर से हो रहा है इसलिए आपको बिजली इस चुनाव में वो देने का प्रयास करते हैं लेकिन जहां जहां पर चुनाव पूरा हो गया मतदान हो गया वहां बिजली कट कर दी उन्होंने आपके यहां भी चार तारीख के बाद पक्का मान लीजिए कट करेंगे ही करेंगे ये धोखा है कि नहीं भाई ये धोखा है कि नहीं है ये चालाकी है कि नहीं है क्या जनता जनार्दन के साथ सरकार खुद चालाकी करे क्या भाइयों बहनों अगर मुझसे गलती हो और मैं जनता जनार्दन के सामने आके कह दूं कि मेरी ये गलती हो गई तो जनता माफ करेगी कि नहीं करेगी करेगी कि नहीं करेगी अरे मेरा देश की जनता उदार है भाई हम लोग भी इंसान गलती होती है लेकिन जनता माफ करती है और उनको भरोसा होता है कि गलती स्वीकार करता है तो अच्छा करेगा लेकिन तुम लोगों के इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है इतना अहंकार है कि जनता को मुरख बनाने में लगे हो झूठ फैला रहे हो भाइयों बहनों भारत सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली देने के लिए दरवाजे खटखटा रही रही थी क्या आप बिजली लीजिए बिजली लेते नहीं थे सस्ते में बिजली भारत सरकार देती थी तो भी नहीं लेते थे इतना ही नहीं हमने कहा घरों में अब गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है गरीब से गरीब भी अपने घर में एक छोटा सा टीवी लाना चाहता है गरीब से गरीब भी गर्मी के दिनों में घर में पंखा चले ऐसी इच्छा करता है करता है कि नहीं करता है भाइयों? करता है कि नहीं करता है उसको बिजली चाहिए नहीं चाहिए हमने कहा घरों में 24 घंटे बिजली के लिए भारत सरकार आपको पैसे देने के लिए तैयार है आप हैरान हो जाओगे भाइयों बहनों अठारह हजार करोड़ रुपया 24 घंटे बिजली देने के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया अभी भी आधे के करीब पैसे वो खर्च नहीं कर पाए खर्च नहीं कर पाए ऐसी कैसी सरकार है कि आपके घर में अंधेरा है तिजोरी में पैसा पड़ा है भारत सरकार बिजली दे रही है भारत सरकार पैसे दे रही है लेकिन वो आपरे घर में उजाला नहीं ले पा रहे हैं ऐसा आपको अंधेरे में रहने के लिए मजबूर करने वाले लोग उनको एक दिन एक दिन सरकार चलाने का हक नहीं है भाई भाइयों बहनों आप मुझे बताइए आज उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी अकेली शाम के समय घर के बाहर जा सकती है क्या पूरी ताकत से बताइए अकेली बहन बेटी उत्तर प्रदेश में घर के बाहर निकल सकती है क्या वो बेटी सलामत रहेगी क्या वो बहन सलामत रहेगी क्या मां बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए आए दिन बलात्कार सोने की चेन भी है तो छीन लेना मैं हैरान हूं हत्या लूट बलात्कार गुना भाइयों बहनों लोग कहते हैं यहां के पुलिस थाने वो समाजवादियों के दफ्तर बन गए हैं ये पुलिस वाले भी गुंटन महसूस करते हैं आप जितने खुश होते हैं ना ये पुलिस वाले भी खुश होते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाए तो पुलिस थाना पुलिस थाना बन जाए उनको भी भरोसा है कि भाजपा की सरकार आएगी तो पुलिस थाना सच्चे अर्थ में पुलिस थाना बनेगा आज जो समाजवादियों का दफ्तर बना है जो पुलिस वालों को बुरा करने के लिए मजबूर करते हैं भाईयों जब तक समाजवादी वाला ये आकर के कहे नहीं कि इसकी शिकायत दर्ज करो तब तक शिकायत दर्ज नहीं होती है शिकायत दर्ज करने का भी पैसा न दर्ज करने का भी पैसा आपको लगता है कि हवालदार लेता है हवालदार के जेब में तो बेचारे को चने का भाव भी नहीं आता है वो समाजवादी वाले ले जाते हैं समाजवादी वाले बदनाम हवालदार होता है मलाई समाजवादी खाते हैं भाइयों बहनों बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए और हमारे अखिलेश जी अभी कुछ दिन पहले बोले बोल दिए वो गधे वाली बात तो मैंने मजाक मजाक में कर दी थी जब शीला दीक्षित जी ने कहा उनके नेता के लिए तो उनका भी ये बयान सुनकर मुझे भी लगा शायद यहाँ भी ऐसा ही है भाइयों बहनों मैं जरा इस सरकार को पूछना चाहता हूं क्या ये पुलिस थाना की दुर्दशा हुई है क्या यह भी मजाक मजाक में हो गई है क्या ये मां बहनों के गले में जो चेन छीन ली जाती है वो भी क्या मजाक मजाक में होता है क्या ये छुरी चाकू चलाकर के निर्दोषों को मार दिया जाता है क्या ये भी मजाक मजाक में भी होता है क्या गैर कानूनी लोगों की जमीन पे कब्जे कर ली जाए खेत के खेत हड़प कर दिए जाते हैं क्या ये भी मजाक मजाक में हो रहा है क्या निर्दोष लोग कहीं बाहर गए हो तो उसका घर का कब्जा कर लेना अपने नाम कर देना उसको बेचारों को फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर देना क्या यह भी मजाक मजाक में हो रहा है क्या भाइयों बहनों मोदी की मजाक करिए मुझे कोई शिकायत नहीं है अगर उससे आपको रात को ठीक नींद आती है और दस बजा कर लीजिए मोदी आपकी नींद मिलती है तो खुश हो जाएगा लेकिन लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश को तो मजाक में बता दीजिए आपने पूरे उत्तर प्रदेश को पांच साल में मजाक बना करके कर रख कर दिया है आपने उत्तर प्रदेश को तबाह करके कर रख दिया है और इसलिए भाइयों बहनों आप देखिए यहां कोई भी बाहुबली भाइयों बहनों यहां कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है ऐसा क्यों भाई ये जरा हमें समझाइए भाई कोई जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है क्या कारण है ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए अंदर बैठकर के बाहर अपने गैंग से भयंकर से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है सारा सुख वैभव उनको जेल में उपलब्ध होता है ऊपर से कानूनी सुरक्षा मिल जाती है कि बाहर कोई भी गंभीर से गंभीर हत्या हो जाए कांड हो जाए वो तो कोर्ट को कह देता है मैं तो जेल में था ये बड़ी परफेक्ट व्यवस्था है भाइयों बहनों जो लोग अभी जेल जाने से बाहर हैं वो और जो जेल में खाना वाना पहुंचाते होंगे वो जरा यहाँ से मेरा मैसेज पहुंचा देना मेरा संदेश पहुंचा देना जमाना बदल चुका है वक्त बदल चुका है 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हो फिर कैसे मौज मस्ती करते हो कैसे जेल से बाहर अपने खेल खेलते हो 11 मार्च के बाद आपके आप सारे खेल, खेल, खेल खत्म हो जाएंगे भाइयों बहनों कानून व्यवस्था की बातें करने के लिए चुनाव में बातें कर रहा और ऐसे बाहुबलियों को टिकट दे रहा क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो क्या है भाइयों बहनों एक चलचित्र आया था बाहुबली अब बाहुबली जरा सिनेमा में तो अच्छे लगते हैं जरा थोड़े समय जरा दम भी दिखता है उनका लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म बें बें। में एक कटटप करके पात्र था कटप वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था ये छड़ी वाले में वो दम है ये छड़ी वाले में वो दम है।, है ये छड़ी काफी है ये छड़ी जो है ना ये कानून का दंडा है कानून का दंडा है 11 मार्च को उसकी ताकत दिखाई देगी भाई 11 मार्च को उसकी ताकत दिखाएगी और मैं मा, मऊवासियों क्या कह कहता हूं मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा भाइयों बहनों लोकतंत्र को कुंडा के द्वारा दबोच नहीं दिया जाएगा लोकतंत्र की रक्षा होगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार देगी जो सामान्य मानवीय को सुरक्षा की गारंटी देगी भाई मैं आज आपके बीच अनुरोध करने आया हूं कि हमें पूरे पूर्वांचल का विकास करना और विकास ऐसा करना है कि हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आज जहां पहुंचा है मुझे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाकों को वहां ला करके खड़ा कर देना है भाई क्योंकि मैं यहां का सांसद हूं और सिर्फ काशी के लिए नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम करना है हिंदुस्तान के लिए काम करना है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश वो बासठ में हुआ भाषण में भूल नहीं सकता हूं 1962 में पंडित नेहरू के सामने जो भाषण हुआ है पार्लियामेंट में वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं इसलिए मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरे लिए तो मेरे लिए तो बासठ का भाषण यही मेरे लिए आदेश है भले मैं उस समय बच्चा था लेकिन वो बात मेरे कान में आज भी गूंज रही है वो जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं संसद में उनको देख रहा हूं मैं उनकी आवाज सुन रहा हूं मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश को ऐसा आगे बढ़ाना है भाई अच्छा होता ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिमाग में विकास नाम, नाम की कोई चीज होती तो उनको तो उनकी बात गुजरात के गधों तक तो नहीं अटक जाती उनको पता होता कि गुजरात के समुद्री तट पर एक कंडला नाम का बंदरगाह है गुजरात के समुद्री तट पर कंडला नाम का एक बंदरगाह है भाइयों बहनों कंडला से गोरखपुर करीब करीब 2,700 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है पांच हजार करोड़ रुपयों से एक गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है घरों में भी नलके से जैसे पानी आता है ना वैसे नलके से गैस आएगा जब गैस आएगा तो यहां पर कारखाने लगेंगे क्योंकि ऊर्जा की सबसे बड़ी ताकत गैस के आधार पर पाई जाती है विकास का एक बहुत बड़ा काम पांच हजार करोड़ रुपये से गुजरात के कंडला से पाइपलाइन से हम गैस लाएंगे गुजरात को याद करना है तो गधों को याद कीजिए वो गधे भी तो शानदार है लेकिन कभी कंडला के गैस को भी याद करिए कंडला के गैस को भी याद करिए जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलने वाला है जी ऊर्जा को देने वाला है ये विकास की हमारी दिशा है भाइयों बहनों जो मां लकड़ी का चूल्हा झला करके खाना पकाती थी उस मां को आज हमने सामने से घर घर जाकर के गैस का सिलेंडर गैस का कनेक्शन देने का बिड़ा उठाया है तीन साल में पांच करोड़ परिवारों को गैस पहुंचाना है अकेले उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में परिवारों को घर घर गैस पहुंचाने का काम चल रहा है और आने वाले दिनों में भी ये काम तेजी से आगे बढ़ेगा जो परिवार बाकी है उनको भी पहुंच जाएगा काम ऐसे होता है ये सरकार गरीब के लिए है ये, पर, ये सरकार गरीब युवकों के लिए है ये सरकार गरीब बच्चों के लिए है ये सरकार गरीब बुजुर्गों के लिए है और इसलिए हम कहते हैं हमारा विकास का सूत्र साफ है किसान के लिए सिंचाई युवान के लिए कमाई बच्चों के लिए पढ़ाई और बुजुर्गों के लिए दवाई ये मंत्र लेकर के हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं भाइयों बहनों आज बीमारी बड़ी महंगी है परिवार में एकाध व्यक्ति अगर हृदय रोग की बीमारी हो जाए डायबिटीज हो जाए कैंसर हो जाए तो सब पूरा परिवार कर्जदार हो जाता है घर बेचना पड़ता है खेत बेचना पड़ता है उसको बीमारी की दवाई करने के लिए बाद में वो बचेगा नहीं बचेगा गारंटी नहीं है इतनी महंगी दवाई बेचते थे आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो मैंने दवाई बनाने वालों को बुलाया मैंने कहा आओ भाई जरा और फिर मैंने उनको पूछा क्या क्या अंडर डालते हो कितना खर्चा होता है फैक्ट्री का कितना होता है पगार में कितना जाता है किराया सब बताओ साल भर पूछता रहा बताते ही नहीं थे पूछता रहा पूछता रहा निकालता रहा आखिरकार मैंने 800 दवाइयां जो लोगों के जीवन के लिए जरूरी थी गंभीर बीमारियों में जरूरी थी 800 दवाइयों की कीमत मैंने कम कर दी 800 सौ दवाइया और कितनी कम की है एक दवाई तो ऐसी थी जिसको महीने में एक बार गोली लेनी पड़ती थी गोली की कीमत थी तीस हजार रुपया एक गोली तीस हजार रुपया में गरीब कहां से खाएगा क्या गरीब को ऐसे मरने दिया जाएगा माने उन सारे दवाई बनावरों को कहा कि जो तीस हजार में गोली बिकती है वो तीन हजार में बिकनी चाहिए जो गोली अस्सी रुपए में बिकती है वो सात रुपए में बिकनी चाहिए जो दो सौ रुपए में गोली बिकती है वो बारह रुपए में बिकनी चाहिए आठ सौ दवाइयों का भाव कम कर दिया भाई बाद में आपने देखा होगा हार्ट अटैक आता है लोगों हृदय रोग की बीमारी होती है दिल का दौरा पड़ जाता है तुरंत लोग दौड़ते हैं डॉक्टर के पास बड़ा जबरदस्त पेन होता है अब डॉक्टर कहता है कि भाई आपका जो नली है ना उसमें खून का जाने का रास्ता बंद हो गया है खोलना पड़ेगा हृदय के अंदर स्टेंट लगाना पड़ेगा या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं छल्ला लगाना पड़ेगा हृदय की नली में छलना लगाना पड़ेगा फिर वो गरीब आदमी बेचारा परिवार का स्वजन मृत्यु पर पड़ा हुआ है तो उसको लगता है हाँ चलो भाई कर्ज करेंगे लेकिन छलना लगवा दो फिर डॉक्टर कहता है कि ये छलना लगवाओगे तो पैतालीस हजार रुपया होगा तो पूछता है वो बेचारा रिश्तेदार भाई ये पैंतालीस हजार रुपया खर्चा तो करेंगे लेकिन ये बीमार जो है वो कितने इस दिन जिंदा रहेगा वो कहते हैं पैंतालीस हजार वाला छल्ला लगाओगे तो चार छह साल तो निकाल देगा फिर कहता है ये दूसरा छल्ला है जो विदेश का है ये अगर लगाओगे तो डेढ़ लाख रुपया खर्चा होगा लेकिन पूरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी जब तक मौत कुदरती मौत नहीं होगी इसको कोई तकलीफ नहीं होगी तो गरीब आदमी को लगता है चलो गहने बेच दो घर बेच दो तो, खेत बेच दो कर्ज ले आओ मजदूरी करके कर्ज चुकाएंगे इसकी जिंदगी बचा, बचा लो भाइयों बहनों ये छल्ले बुलाने वालों को मैंने बुलाया आओ मैंने कहा बताओ ये छल्ले में क्या क्या रखते हो कितने में आता है कितना खर्चा करते हो भाइयों बहनों अभी एक पंद्रह दिन पहले मैंने हुक्म कर दिया पैंतालीस हजार रुपए में छल्ला नहीं बिकेगा सात हजार रूपये में छल्ला बेचना पड़ेगा सवा लाख डेढ़ लाख में ये विदेश के नाम पर छल्ले नहीं बेचे जाएंगे वो आपको पच्चीस सत्ताईस हजार रुपए में बेचना पड़ेगा गरीब को बेमौत मरने नहीं दिया जाएगा भाइयों बहनों काम ऐसे होता है ये सरकार गरीब के लिए है अब आप मुझे बताइए मेरा जैसा इंसान एक गरीब मां का बेटा न जिसके पिताजी के भी प्रधानमंत्री थे न गांव के प्रधान थे बेचारे चाय बेच बेच, बेच करके जिंदगी गुजारा करते थे जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घरों में पानी भरती थी कचरा झाड़ू करती थी उसके बेटे को आज प्रधानमंत्री बना दिया है मैंने गरीबी देखी मैं गरीबी में जिया हूं गरीब का दर्द क्या होता है ये देखने के लिए मुझे टूर नहीं करनी पड़ती मैं उसको अनुभव करता और इसलिए भाइयों बहनों जब मैं गरीब के लिए लड़ाई लड़ता हूं तो कितने लोग दुश्मन बन जाएंगे इसका मुझे अंदाज है आप मुझे बताइए पांच सौ हजार की नोट जिनकी गई वो मुझे आशीर्वाद देंगे क्या ग्या? नहीं नहीं मोदी जी आपने बहुत अच्छा किया ऐसा कहेंगे क्या मौका पड़ते ही मैं मुझे ठीक मुझे करेंगे नहीं करेंगे? मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे जो दवाई हो के इतने रुपये लेते थे मैंने रुपया कम कर दिए वो क्या मुझे फूलमाला पहनाएंगे क्या जो छल्ले बना करके इतने रुपये लूटते थे मैंने बंद कर दिया वो क्या मेरी जय जयकार करेंगे क्या ये मेरे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे लेकिन क्या मुझे ऐसे लोगों से डरना चाहिए क्या डरना चाहिए क्या डरना चाहिए क्या अरे गरीब के लिए जीना है जिसको जो करना है कर ले ये सरकार गरीब के लिए काम करेगी निर्णय करने से रुकने वाली नहीं है भाइयों बहनों सत्तर साल तक देश का जिन्होंने लूटा है मैंने 500 और हजार की नोट बन करके उनको बैंकों में वापस रखने के लिए मजबूर कर दिया है जो गरीब का लूटा है वो गरीब को लौटाने कर, कर ही मैं रहने वाला हूं ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया और इसलिए भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के ईमानदार नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून का राज्य बनाने के लिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए चार तारीख को भारी मतदान कीजिए नया इतिहास बना दीजिए और जेल वालों को बता दीजिए अब जेल, जेल जेल बन के रहेगी बाहुबलियों का कारोबार नहीं चलेगा इस विश्वास के साथ मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत, भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी सहित जनता जनार्दन के प्रति आभार प्रकट करें भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी आज के इस चुनावी रैली में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र